सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है डीजे मेकर के एम्पलीफायर्स के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में देखने को मिला होगा कि हमने 1000 वाट का रिव्यू किया था, तो आज हम करने वाले हैं 5000 वाट के एम्पलीफायर का रिव्यू, वो भी डीजे मेकर के एम्पलीफायर्स की, जो कि अभी के टाइम पे डीजे मेकर प्रो ब्रांड के नाम से मशहूर है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें डीजे मेकर प्रो का ब्रांडिंग दिया गया है। और इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर DJM5000 होने वाला है, और ये डीजे सीरीज का एम्पलीफायर होने वाला है। ये एम्पलीफायर 5000 वाट का होने वाला है, और इसमें दो चैनल दिए गए हैं, चैनल ए और चैनल बी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। जैसा कि आप लोग देखा है, चैनल वन में आपको लो मिड हाई का भी ऑप्शन मिल जाता है 5000 वाट के एम्पलीफायर में, मास्टर वॉल्यूम के साथ में। जैसा कि आप लोग इसमें इक्वालाइजर का भी मजा ले सकते हैं। पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, बहुत ही स्लिम बहुत ही सिंपल स्विच दिया गया है, और इसमें लेवल इंडिकेटर्स दिए गए हैं। क्लिप वगैरह का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैनल वन और चैनल टू का अलग अलग दिया गया है। तो बात करें हम चैनल बी की, तो इसमें मास्टर वॉल्यूम मिलता है आपको, और सेम इसमें आपको लो मिड हाई का ऑप्शन दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एम्पलीफायर होने वाला है 5000 वाट में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें आपको LEDs मिल जाती है, इसमें एम्प ऑन फॉल्ट पावर ऑन की LEDs मिल जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग LEDs दी गई हैं, एम्प ऑन फॉल्ट और अपना एम्प ऑन के लिए। सो फ्रेंड्स, आप ये एम्पलीफायर अपने डीजे सेटअप में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, बात करें इसके बैक पैनल पर, तो इसमें डबल फैन दिए गए हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं सिग्नल इन के लिए डबल सिस्टम दिया गया है। आप मोनो जैक पिन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा TS सॉकेट है, और अपना XLR के थ्रू भी कर सकते हैं। स्पीकर कनेक्शन के लिए आप बनाना टर्मिनल्स का भी यूज कर सकते हैं, और अपना स्पीकॉन का भी यूज कर सकते हैं। साइड में फ्यूज देखने को मिल रहा है, अर्थिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, और इसका पावर कोर्ड का जो वायर है बहुत ही हैवी गेज का होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। हीटिंग में ये एम्पलीफायर ना के बराबर हीट होने वाला है, क्योंकि इसमें 4 इंची के फैन का यूज किया गया है। आप जैसे को देख पा रहे हैं, डीजे मेकर का ब्रांडिंग आपको ऊपर भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा डीजे मेकर प्रो का ब्रांडिंग दिया गया है, जो कि लेजर कटिंग से की गई है। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको इसका ओपन करके इसके इंटरनल पार्ट्स की जानकारी देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इसको ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर के ढक्कन को हमने हटा दिया है। सो फ्रेंड्स, ये एम्पलीफायर देखते ही बनता है, क्योंकि सबसे आकर्षण का केंद्र ये हमारा हो रहा है इसका हर्ड, जो कि हमारा ट्रायडियल है। साइड में आप देख पा रहे हैं, दो बोर्ड्स का यूज किया गया है, और ट्रायडियल काफी हैवी यूज किया गया है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, प्योर कॉपर में होने वाला है, और अदर ब्रांड सिर्फ ट्रांसफार्मर की ही वारंटी देते हैं, लेकिन ये कंपनी आपको 24 मंथ की वारंटी देती है पूरे एम्पलीफायर की। इसके पावर सप्लाई की बात करें, तो सब पावर सप्लाई इसमें आप 8 कैपेसिटर्स का देख पा रहे हैं, 8 कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया, जो कि जुंजल के होने वाले हैं 1563 UF में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके EPSpeakon कनेक्शंस का आप देख पा रहे हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कनेक्शन किया गया है। ये इसमें अपने कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन हो जाता है, जैसा कि आप लोग पीछे कभी कभी वायर टच हो जाते हैं, तो स्पीकर हमारे खराब होने के चांसेस रहते हैं, या फिर एम्पलीफायर हमारा खराब होने का चांसेस रहता है, तो ये हमारे सिक्योर करते हैं कि ना एम्पलीफायर खराब होगा और ना ही स्पीकर। दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग स्पीकर प्रोटेक्शन का यूज किया गया है। इसमें रिले लगी होती है, रिले हमारी ट्रिप मार जाती है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये हमारे BT बोर्ड हो गए, जो कि हमारे बेस टेबल के लिए काम में आते हैं, और अपना सेंटर में आप देख पा रहे हैं UV मीटर लगा हुआ है। ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है, जो कि हमारे चैनल वन के लिए, और दूसरा हमारा ड्राइवर बोर्ड चैनल टू के लिए लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, वहीं इसके प्राइस की बात करें, तो ये इस एम्पलीफायर का प्राइस होने वाला है आपको 32 से 35 हज़ार के बीच में, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपका बजट कम है और अपना अच्छा एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं अपने डीजे सेटअप के लिए, तो ये एम्पलीफायर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कंपनी 24 मंथ की गारंटी, यानी कि 2 साल की वारंटी देती है। सो आप बेफिक्र होकर इसे अपने डीजे के लिए यूज में
ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।